अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खाना। सबसे पहले बात की जाएगी सिंध भर के अंदर मानसून की बारिशों से जो तबाहकारियाँ हुई हैं, उस वजह से हम ये देखते हैं कि लोग नकल मकानी करके कराची आना शुरू हो चुके हैं और इंतज़ामिया इस वक्त परेशान ये है कि किस तरह से इस सूरत हाल से निपटा जाए। सिंध भर में जो इस वक्त कशीदा सूरत हाल है, उसके पेश नज़र ये भी फैसला किया गया कि तमाम वज़रा की एक माह की जो तनख्वाह है वो रिलीफ फंड में जमा कराई जाएगी और साथ साथ एमरजेंसी भी जो नाफिज की गई है। अब देखना ये है कि आज शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, सखर में उन्होंने दौरा किया और यहाँ तक ये भी कहा कि मैं वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर को यहाँ पर छोड़ कर जा रहा हूँ, वहाँ पर रहेंगे, तवानाई की जो मामलात हैं, बिजली का जो सूरत हाल है उसको बेहतर तरीके से टेकअप करेंगे। जबकि वहाँ पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी और जो कि इस वक्त वज़ीर ख़ारजा भी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि सिंध के अवाम के साथ खड़े रहेंगे और जबकि वज़ीर आला जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध हैं, उन्होंने भी कुछ रिलीफ पैकेजेस के ऐलान किए हैं। मुख्तलिफ वज़रा भी वहाँ पर मौजूद थे, वज़ीर बल्दियात भी थे, सईद गनी भी थे, शर्जील नाम मेमन भी थे, ये तमाम वज़रा वहाँ पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे। अब देखना यह है कि पूरे सिंध की जो सूरत हाल है, बशमूल कराची की जो सूरत हाल है और कराची का जो ज़िला है, ज़िला मलीर, जिसको इस वक्त आफत ज़दा करार दिया गया है, कैसे इन तमाम ज़िलों की सूरत हाल को बदला जाएगा, इसी पर बात कर लेते हैं कि इस वक्त क्या जो है वो मामला तय पाए गए हैं हुकूमती सतह पर। नुमाइंदा K21 न्यूज़ तारिक काज़मी ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक, सबसे पहले आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जानना चाहूँगा कि किसी अहम पैकेज का, रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है मुतासरीन के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गनाबदू ये गनासीन। लेकिन बिलाल, मैं सबसे पहले आपको तो खुलासा आगा करता चलूँ कि सिंध के जितने भी गुजरे हैं, वज़ीर आला सिंध हों या वज़ीर बल्दियात हों या वज़ीर इत्तला'आत सिंध हों, तमाम लोगों ने आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब सखर एयरपोर्ट पहुँचे वहाँ से जो है उनका इस्तकबाल किया और उसके बाद मुख्तलिफ जगहों का जो है वो दौरा किया, वहाँ पर ब्रीफिंग भी ली कि क्या मामला चल रहे हैं, किस तरीके से मुतासरीन की मदद की जा रही है, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। वहाँ पे पाबंद किया गया अफसरान को, जो वफाकी अफसरान को उनको कहा गया कि ये तमाम चीज़ें जो है जो सिंध हुकूमत को देनी है वो तमाम चीज़ें दी जाए। दूसरी चीज़ ये कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 15 अरब रुपए के जो है वो पैकेज का ऐलान किया सिंध के लिए और जो है वो NDMA को पाबंद किया है कि जो 80,000 खेमे हैं वो जो है NDMA जो है वो सिंध हुकूमत को हवाले करे और जितनी भी जो फंडिंग आ रही है उसका 20% जो है वो सिंध हुकूमत को दिया जाएगा, जो चाहे उसके अंदर खाना हो, चाहे उसके अंदर टेंट हो या जो भी मदद फराहम की जा रही है। गुज़िश्ता रोज एक मुलाकात हुई डेलीगेशन से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, उन्होंने कहा कि वहाँ पे $50,00,000 की जो है वो उन्होंने इमदाद दी, जिसके बाद जो ये फैसला वहाँ फैसले किए गए। वज़ीर आला का कल का जो आज का दौरा था उसके अंदर इनके वज़ीर आला सिंध के वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ारजा भी है वो उनके हमरा रहे, तमाम जो मुतासरीन हैं उनसे उनकी दाद रस्सी की, उनसे पूछा कि क्या क्या मसले मसाइल हैं, जबकि कुछ जगहों पर जो है वो बताया गया कि हमें खाने पीने की जो अशियाँ जो है मैसर नहीं है और हम खुले आसमान के तले जो है वो रह रहे हैं। तो वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ, उनमें फौरी तौर पर अहकाम किए दिए कि जो है वो तमाम चीज़ें जो है NDMA को कि इन लोगों तक पहुँचाई जाए और फौरी तौर पर इस चीज़ के काम किए जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो हलाकतों का मामला है उसके ऊपर वज़ीर आज़म जो है उन्होंने वज़ीर आला की सरबराही में एक कमेटी कायम कर दी है जो जायजा लेकर जो हालात का जायजा लेकर और जो मुतासरीन हैं जो हलाक जामा हो चुके हैं उसके अंदर सैलाब के अंदर बहने की वजह से उनको 20-20 लाख रुपये की जो है वो चेक किए जाएंगे। उसके बाद वज़ीर आज़म ने कहा कि जो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत जो पैसे साल में 2 दफ़ा मिलते थे उसको जो है वो फौरी तौर पे रिलीज किया गया इस बार और 25,000 रुपये फी के खानदान जो वहाँ पे बनी हुई थी वो 25,000 रुपये जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे, उसकी भी कमेटी कायम कर दी गई है जो जांच पड़ताल के बाद जो है वो पैसे वहाँ पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। फिर तमाम चीज़ों को देखते हुए कराची के क्योंकि कौमी एमरजेंसी जो है परसों ही नाफिस गुज़िश्ता रोज जो है वो नाफिस कर दी गई थी पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि सिंध हो, बलोचिस्तान हो, पंजाब हो, तो वो तमाम जगहों की हालत एक थी, कोई शहर हो, गाँव हो, तमाम चीज़ें जो है वो बरसात के पानी के द्वारा आने वाली तमाम चीज़ें जो है वो बह गई, उसके अंदर कच्चे मकानात हैं, कपास फसलें हैं, गंदम की फसलें हैं, गन्ने की फसलें हैं, जानवर हैं, मवेशी हैं, मुख्तलिफ जो चीज़ें वो तमाम चीज़ें जो है वो बारिश के बरसात का जो पानी है। अच्छा, ये भी बताइएगा जो जांबाग होने वालों की तादाद है इस वक्त सिंध भर में टोटल भी और गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर क्या फिगर्स इस वक्त बताए गए हैं हुकूमती सतह पर?
देखिए बिलाल, मैं आपको बताऊं कि अगर 24 घंटों की बात की जाए तो वो 28 अफराद जो है वो जामा हुए हैं, जबकि जो बारिशों के दौरान पहले पहल से लेकर और अब तक जो है वो 306 अफराद की जो है वो एक रिपोर्ट पेश की गई थी, ठीक है, जिसके अंदर बताया गया कि तमाम लोग जो है वो बरसात के बायस जो है वो जामा हुए हैं और 28 जो है वो करंट फिगर जो है वो 24 घंटों के दौरान, ठीक है। मुतासरीन की इस वक्त तादाद कितनी है और कराची कितने मुतासरीन शिफ्ट किए गए? देखिए बिलाल, मुतासरीन की बात, क्योंकि मुतासरीन के अंदाजा जब लगाया जा सकता है जब कोई एक गांव हो या कोई एक शहर हो तो वहाँ की आबादी के लिहाज से जो है मुतासरीन का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे मामला जो है वो तमाम जो सिंध के जो 12 अजला 12 अजला के अंदर जो है वो इमरजेंसी आफत ज्यादा करार दे दिए गए थे। इसका मतलब जो तादाद है मुतासरीन की वो एक करोड़ से 1.5 करोड़ के लगभग होगी। उसके बाद जो है वो फैसला किया गया है कि जिन जगहों पे पानी, क्योंकि हमने 2005 में भी देखा, 2010 में भी देखा, 2016 में भी देखा, जो जो दलदला है या सैलाब है, तो उसके बाद जो है वो नकल मकानी का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। वो मुख्तलिफ शहरों में जो है वो नकल मकानी करना शुरू करते हैं, जबकि सिंध हुकूमत की जानब से वहाँ पे जो है रिलीफ कैंप कायम, वहाँ जिन इलाकों में मुतासर इलाके हैं वहाँ पे भी रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए, जबकि कराची के अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ अजला के अंदर जो है वो रिलीफ कैंप। अच्छा सर, कराची को जरा ब्रीफली डिस्कस कीजिएगा तारिक, कितने कैंप्स यहाँ पर कायम किए गए हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं, कौन कौन से जिले के जो अहदेदारान हैं वो कंसर्न होंगे इससे? देखिए बिलाल, जो मुआवने खसूसी हैं उनको ही वो जो है इस चीज़ का चार्ज दिया गया है कि जिलों वाइज जो मुआवने खसूसी रेन इमरजेंसी के दौरान बनाए थे उन्हीं को ही जो है वो चार्ज दिया गया है कि जितने भी मुतासरीन हैं अगर कराची आते हैं तो उनकी जो है वो तमाम चीज़ें रहाइश का बंदोबस्त, खाने पीने का बंदोबस्त और मेडिकल सहूलियात का बंदोबस्त जो है वो किया जाए। मैं आपको बताऊँ कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर जो है वो सफूरा गोड़ के करीब एक डिस्पेंसरी है, वहाँ स्कूल है कि वहाँ पर जो है वो कैंप कायम कर दिए गए, वहाँ पर 3000 के करीब लगभग जो है तादाद जो है वो वहाँ पे पहुंची है मुतासरीन की अंदरून सिंध से, उसके अंदर पंजाब के लोग भी शामिल है और अंदरून सिंध के लोग भी शामिल है। तो वहाँ पे फौरी तौर पे जो डिप्टी कमिश्नर ईस्ट हैं और एडमिनिस्ट्रेटर जिला शरीकी हैं उन्होंने फौरी तौर पे एहकाम दिए और महकमा हेल्थ के अलग अफसरान जो है मतलब अलग से वहाँ पे अपॉइंट करवाए गए ताकि जो है वो उनकी दाद रसी कर सकें और जो जितने भी मेडिकल चेकअप्स हैं वो वहाँ पे किए जा सकें। फिर उसके बाद जिला गरबी के अंदर जो है वो दो मोमिनाबाद सब डिवीजन के अंदर 3 डिस्पेंसरीज के अंदर ये कैंप कायम किए गए, जहाँ पे अब तक की जो तादाद है, जो लेटेस्ट तादाद जो अभी तक हमें मौसूल हुई है 1500 के करीब है, जिसके अंदर बच्चे, खवातीन और मर्द जो है ये तमाम लोग शामिल हैं। उनके वहाँ पे भी हेल्थ डिपार्टमेंट को और जो महकमा खुराक के अफसरान हैं उनको वहाँ पे पाबंद कर दिए गए कि तमाम चीज़ें जो है मुहैया की जाए, क्योंकि ये मोमिनाबाद हो या डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हो यहाँ पे डिस्पेंसरीज के अंदर जो है वो कैंप कायम किए गए, डिस्पेंसरीज को जो है वो मुतासरीन के लिए अपॉइंट की गई है जगह, तो वहाँ पे कैंप इतनी जरूरत नहीं है कि कैंप वहाँ पे लगाए जा सकें, क्योंकि वो बनी बनाई बिल्डिंग्स हैं तो उसके अंदर मुतासरीन वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे रिहाइश का उनका बंदोबस्त कर दिया गया है, खाने पीने के मामला उनके देखे जा रहे हैं, तमाम मेडिकल सहूलियात वहाँ पे दी जा रही हैं। दूसरी तीसरी चीज ये कि जिला किवाड़ी के अंदर 3 जगहों पर, गुलबई के ऊपर और मुख्तलिफ 2 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो जो डिस्पेंसरीज हैं और एक स्कूल है उसके अंदर जो है वो कैंप कायम कर दिए गए, जो वहाँ पे भी मुतासरीन के अगर मैं आपको लगभग एक फिगर बता फिगर कोट करूँ तो वो 2000 के करीब है जो मुतासरीन वहाँ पे पहुँच चुके हैं और बाकी की आने का सिलसिला जो जारी है। वहाँ पे भी यही मामला है, महकमा खुराक के अफसरान जो है वो तमाम जो है वो वहाँ पे मौजूद हैं, महकमा सेहत के अफसरान हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान हैं, उन तमाम लोग जो है वो ड्यूटीज लगा दी गई हैं, जबकि जो सिंध गवर्नमेंट के मातहत जो स्कूल्स हैं अभी कॉन्फिगर ये किया जा रहा है कि वहाँ पे जो है मुतासरीन को रहने का जो बंदोबस्त किया जाए। दूसरी चीज़ ये कि इस चीज़ की जो है वो सख्त मुखालफत कर दी है, जो स्कूल एसोसिएशन हैं उन्होंने कि ऐसा अभी क्योंकि सेशन का स्टार्ट है अगस्त के अंदर तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि वहाँ पे जो है मुतासरीन का बंदोबस्त किया जाए। हाँ, उसके बरक्स जो स्कूल के ग्राउंड्स हैं उसके अंदर कैंप्स का इनेकाद कर दिया जाए तो वहाँ पे जो है वो कोई दुश्वारी का सामना नहीं होगा। डिप्टी कमिश्नर जो वो किवाड़ी हैं उनके उनकी सरबराई में आज एक इजलास भी हुआ है, उसके अंदर जो है वो 3 से, क्योंकि किवाड़ी के अंदर जो है वो ज़्यादा मुतासरीन का आने का सिलसिला जारी है, तो वहाँ पे इजलास के अंदर जो है वो 3 कल तक जो है वो 3 जगहें और अलॉट कर दी जाएंगी कि जहाँ पे जो है मुतासरीन रह सकते हैं और जहाँ उनकी जो सहूलियात हैं उनको मुहैया की जाएंगी। जी ठीक है, तखमीना लगाया गया है नुकसान का कि अगर फसलों की बात की जाए तो वो भी कहा जा रहा है फसलें तबाह हो चुकी हैं और जिन इलाकों के अंदर ये तुगयानी आई है वहाँ पर अनाज की भी किल्लत है और जो मुतासरीन हैं वो खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, तो किस तरह से मैनेज किया जाएगा उनको?
देखिए बिलाल, तखमीना तो जब बरसात रुक जाएगी और पानी उतर जाएगा तो उसके बाद, क्योंकि अभी सिचुएशन ये है कि लोग अपनी अपने आप को सेफ करने में ज्यादा लगे हुए, उनको तखमीना तो वो बाद में लगाया जाएगा जब जो बरसात रुकने के बाद या रेला जो पानी का वहां से बह रहा है वो वहां से उतर जाएगा। तो आज जो है वजीर आला सिंह ने जो है वो तमाम लोगों को पाबंद किया, जितने भी उनके वजरा थे, जितने भी फोकल पर्सन बनाए गए थे, तमाम लोगों को पाबंद किया कि रोजाना की बुनियाद पे जो है वो दौरे किए जाएं और देखा जाए कि क्या मामलात हैं, किस चीज की कमी है। वजीर आला ने खुद भी बोला कि मैं जो है ऑन फील्ड रहूंगा, ऑन फील्ड रहने के बाद जो है मैं सूरताल का जायजा लेता रहूंगा कि किन जगहों पे किस किस चीज की जरूरत है और किस किन जगहों पे कोताही बरती जा रही है। कल एक मामला सामने आया कि सखर का मुकाम है, सखर के मुकाम पे जो इमदादी सामान है वो वहां पे मुतासरीन को नहीं दिया जा रहा था, जिसके ऊपर वजीर आला सिंह ने फौरी नोटिस लेते हुए उनको कहा कि फौरी तौर पर जो है चीज का एक्शन लिया जाए और इंक्वायरी करके रिपोर्ट दी जाए कि कौन लोग हैं जो सामान जो है वो मुतासरीन तक मुंतकिल होने नहीं दे रहे हैं। अब दूसरी तीसरी चीज ये है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐलान किया और खुद जो वजीर तवानाई है उनको पाबंद किया कि आप जो है वो कराची वो सिंध के अंदर रहेंगे और तमाम सूरताल का जायजा लेकर जिस चीज की कमी है एनडीएमए से कोऑर्डिनेशन करेंगे, पीडीएमए से कोऑर्डिनेशन करेंगे और उसके बाद वफाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करके जो है वो रिलीफ जो है हर सूरत फराम किया जाएगा। वजीर खारजा जो है उनके हमरा मौजूद थे तो वहां पे मुतासरीन से भी उन्होंने बात की, उन्होंने सूरताल का जायजा लिया, उन्होंने अपने अपने मसाइल पेश किए कि हमें ये मसाइल हैं। तारिक मुझे एक बात बताइएगा, इस वक्त ये जो कुदरती आफत है और अंदरून सिंध की बात की जाए तो बहुत से ऐसे गाँव हैं जो इस वक्त बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, नामो निशान मिट चुका है, जो मुतासरीन हैं उन तमाम लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचा दिया गया है या अभी भी किसी ऐसी जगह पर फंसे हुए मुतासरीन? देखें बिलाल, पहली प्रायोरिटी इन लोग जितने भी जो मिनिस्टर थे उनकी ये थी और जो उनका अमला था उनकी प्रायोरिटी ये थी कि उन लोगों को जो है एक सेफ प्लेस तक मुंतकिल किया जाए ताकि जो है वो इमदादी सरगर्मियों का काम जारी है। इसके साथ सिंध की हुकूमत या वफाकी हुकूमत काम नहीं कर रही, इसके साथ पाक फौज के जो दफ्तर हैं उनको भी हाई अलर्ट रहने का कहा गया है, उनको भी इमदादी कामों के अंदर मसरूफ करने के लिए कहा गया है। जबकि जो है वो कल एक इजलास हुआ जिसके अंदर जो है वो आर्मी चीफ ने जो है वो तमाम और जो अहदेदारान हैं जो कमांडर्स हैं उनके कोर कमांडर्स हैं उनको जो है वो कहा कि जिले इंतजामी के साथ मिलकर जो है वो तमाम काम को जो है हिकमत अमली के तौर पर जो पेश किया जाए, ये आवाम हमारी है, इसका ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तमाम चीजें पहली प्रायोरिटी ये है, सब लोग चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो पाक फौज हो, चाहे वो जिला इंतजामिया हो, चाहे सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, उनकी प्रायोरिटी यही है कि पहले जो है उनको सेफ प्लेस तक मुंतकिल कर दिया जाए, फिर उसके बाद जो है वो तमाम चीजों का जायजा लेकर पानी को उतारा जाए, वहाँ पे जो नकासी आपके काम है वो किया जाए, जो फ्लड की जो सेल्फ सिचुएशन है उसको जो है वो दरियाओं तक मोड़ा जाए ताकि जो है वो वहाँ पे रहायश के काबिल वो जगहें हो सके। अच्छा तारिक, जहाँ जिस इलाके से तुगयानी का गुजर हो रहा है वहाँ तबाहकारियाँ जो है नोट की जा रही हैं। कलाम की अगर बात की जाए तो 150 कमरों पर मुश्तमिल सयाहों के लिए जो होटल बनाया गया था वो भी हमने देखा कि बह गया, जमींबोस हो गया। अगर कराची की बात की जाए, डिस्ट्रिक्ट मलिर को हम देखते हैं कि कई काफ़ी अरसे से आफत ज़दा करार दिया गया है, इससे मुतसल जो आबादी है क्या वहाँ पर भी खदशात हैं, खतरात हैं, तो वो इलाके खाली कराए गए क्या? देखिए बिलाल, डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर दो यूसीज हैं जिनको आफत ज़दा करार दिया गया था, वहाँ पे जो है वो पाबंद किया गया था अफसरान को कि जो हाई रिस्क के ऊपर जो इलाके हैं, जो एरियाज हाई रिस्क के ऊपर हैं, जहाँ पे खतरात ज्यादा हैं, जहाँ पे अमवात का जो है खदशा जाहिर किया जा रहा है, उनको पहली प्रायोरिटी पे जो है वो दूसरे मुकाम तक मुंतकिल किया जाए, या तो हुकूमती सतह के ऊपर जो है वो उनको कैंप्स के अंदर मुंतकिल किया जाए, या किसी और प्लेस के ऊपर जो है जो खाली एमिनिटीज प्लॉट होते हैं या केएमसीज और डीएमसीज के प्लॉट होते हैं वहां तक मुंतकिल किया जाए। उसके बाद जो ये वहां पे जो है वो एक फंड भी जारी किया गया, जिसके बाद जो है वो हमने देखा कि जो डेप्टी कमिश्नर हैं मलीर के खान सलाम रवानी, उन्होंने जो है वहां से जो है आबादी को जो है आबादी के जो जिन जिन जगहों पे हाई रिस्क के ऊपर जिन जगहें थी उन जगहों के जो इलाका मकीन है वहां को मुंतकिल उन लोगों को मुंतकिल करना शुरू किया और काफी हद तक वो काम जो है वो वहां पे हुआ है। जो दो यूसीज हैं जिनको आफत ज्यादा करार दिया गया था वहां पे काम हो चुका है, जबकि कुछ जगहों पे जो है वो काम का सिलसिला जारी है। इनके साथ जो है वो आफत ज्यादा करार दिए गए जो यूसीज हैं उसके अंदर पाक फौज के दस्ते भी शामिल है जो वहां पे लगाती है आपका जो है काम कर रहे हैं और तमाम चीजों की जो इमदादी सरगर्मियां वहां पे देख रहे हैं वो लोग। ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया इस हवाले से ब्रीफ करने के लिए। तारिक आज़मी हमें तमाम सूरत हाल से आगाह करते। सिंध भर में अगर बात की जाए तो
सैकड़ों के करीब जो गांव हैं वो इस वक्त मुतासरीन वहाँ पर वहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं, क्योंकि तुगयानी के बाइस वो पूरे पूरे गांव डूब चुके हैं। सैलाबी कैफियत है। आज हमने देखा कि जो फेडरल कैबिनेट है वो वहाँ पर मौजूद थी और प्रोविंशियल कैबिनेट भी उनके हमरा मौजूद थी। पैकेजेस का ऐलान किया गया है, रिलीफ फंड्स के हवाले से कहा गया है, 25,000 रुपये फी फैमिली को देने के लिए भी कहा गया है। और ख़ास तौर पर अब ये देखना है कि बड़े शहरों की तरफ इन लोगों को मुंतकिल किया जाएगा जो गांव देहात में रिहाइश पजीर थे और उनके घर अब मौजूद नहीं है उन गांव के अंदर। तो अब कराची के अंदर भी जो कैंप्स लगाए गए हैं, किस तरह से मैनेज किया जाएगा, इजाफी अमले को कैसे डिप्लॉय किया जाएगा, डेप्टी कमिश्नर्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, इन पर पहले ही बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि कराची शहर की सूरत हाल भी कोई खासी बेहतर नहीं है। बारिश के बाद यहाँ पर भी हर सड़क मुतासर हुई है, हर इलाका मुतासर हुआ। अब देखना यह है कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को साथ लेकर कैसे चलेंगे, इन कैंप्स को कैसे मैनेज किया जाएगा, ये एक बड़ा जो है वो हुकूमती सतह पर, सूबाई सतह पर एक चैलेंज है हुकूमत के लिए। और फेडरल गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए, इकदाम किए हैं। अब देखना यह है कि जो 3-4 सूबों के अंदर ये तबाहकारियां हुई हैं, इसको कैसे इनसे निपटा जा सकता है। वक्फा लेंगे इसके बाद, एक और स्टोरी है वो भी आप तक पहुंचाएंगे।